दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस टॉक में। यह सफर जीरो से हीरो तक का। इस सफर में मैं आपको मेरे कुछ ऐसे मित्रों से मिलवाता हूँ, कुछ ऐसे व्यवसायिकों से मिलवाता हूँ जो दुनिया भर में व्यवसाय करते हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग तरह का व्यवसाय करते हैं। ऐसा ही एक टूरिज्म का कह सकते हैं, टूरिज्म में एक एडवेंचर विलेज करके, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें भारत में नागपुर में काम करती है एक सामाजिक संगठना कह सकते हैं, जिसे साहस एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, ये एक समिति है जो नागपुर के काटोल के पास कार्यरत है। यहाँ पर इनका 18 एकड़ में एडवेंचर विलेज है, एडवेंचर पार्क है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर काम करता है। तो आइए दर्शकों, मैं आपको आज उनसे मिलवाऊंगा और रूबरू करवाऊंगा कि इस बिजनेस में वे कैसे रन करते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर। तो आइए आपको मिलवाते हैं साहस एडवेंचर स्पोर्ट्स जो समिति है उसके अध्यक्ष मेरे मित्र भूदेव बहुरूपी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टॉक में। सर, इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि नागपुर से 60 किलोमीटर दूर काटोल से नजदीक में एक 18 एकड़ में आपने यहाँ पर बहुत अच्छा एडवेंचर पार्क शुरू किया है। यहाँ पर एक साहसी खेल आप खेल सकते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों से घुल मिल रहे हैं, उनको कुछ नई दिशा दिखा रहे हैं। पर यह संकल्पना आपको कहाँ से आई? विप्लव जी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। हाँ? अभी भी फिलहाल प्राइमरी टीचर हूँ जी। 20 साल पहले जब मैं मेरी ड्यूटी की शुरुआत थी, उस टाइम में मेरे जो स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ सोचा कि इनको क्यों ना आउटडोर ले जाके कई ऐसे कैंपिंग करवाते, आउटडोर के बहुत सारी एक्टिविटी थी जो मैं स्कूल में नहीं कर सकता था। तो उस टाइम वो आपको एक्टिविटीज के बारे में पता कहाँ से चला था? स्पोर्ट में सर पहले से ही मैं शुरू से इंटरेस्टेड हूँ, और वैसे तो मेरा ये आउटडोर वाला स्पोर्ट नहीं था, अपना चेस था, और चेस में मैं यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, लेकिन ग्राउंड एक्टिविटी में मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट था। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी पहले से कहीं मैगजीन्स में? जी 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 जी, बुक्स में देखी थी, टीवी पर देखी थी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल देखी थी। और उसी टाइप में बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए मैंने शुरुआत की, और उसमें 2001 से मैंने फॉरेस्ट कैंप लेना शुरू किया। क्या बात! तो अभी उस टाइम के जो अब मेरे स्टूडेंट थे वो अभी मेरे बड़े हो गए, वही इंस्ट्रक्टर है। क्या बात! वही पार्टनर है बहुत, और वही सब कुछ है। तो बस उनके लिए तो आपने काटोल क्यों चुना, क्योंकि आप यहीं पर काम करते? जी सर, मेरी ड्यूटी यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर दूरी पर है, खानगांव के स्कूल में था। अभी 20 साल मेरी ड्यूटी वहीं पर हुई, अभी इसी साल तबादला हुआ, इसलिए इसके पास यानी 5 किलोमीटर दूरी पर ये एडवेंचर कैंप से जस्ट 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सामने मेरी मैं वहाँ कैंपिंग लेता था, इसलिए ये प्लेस तो मुझे मालूम ही था। और उसके बाद वाटर स्पोर्ट यहाँ बिल्कुल डैम लग के, इसलिए ले सकता हूँ। उसके बाद 40 किलोमीटर का ये फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हमारी चलती है। तो सर, आप लोगों ने जब ये सोचा कि ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या बदलाव आप सोच रहे थे बच्चों में आए ऐसी जगहों पर आकर, क्या क्या बदलाव उनमें आएंगे? बच्चों में, जो ग्रामीण के बच्चे वैसे तो ये साहसी होते ही है, लेकिन ऐसे कोई स्पेशली स्पोर्ट इनको अगर इन इनसे अवेलेबल करवाते हैं तो बच्चों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकता है, ओवरऑल सराउंडिंग में विकास, बिल्कुल गुणों का विकास हो सकता गुणों का है। इसलिए शायद आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छे पार्क का निर्माण किया है। सर, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले फंडिंग की जरूरत होती है, और आपकी एक समिति है जहाँ तक साहस एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो आपने कैसे बात रखी, किन से संपर्क किया, क्या कुछ हुआ? तो इसके लिए मैंने सबसे पहले महातकर सर जी से बात की। जी जी। तो इसके बारे में तो वही आपको डिटेल बता पाएंगे, क्या समिति ने सोचा, जी जी क्या उनके सामने संकल्प आया? जी बिल्कुल। तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। जी।
आइए अभी बातचीत करते हैं साहस एडवेंचर स्पोर्ट्स जो समिति है उसके डायरेक्टर्स में से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहन हाथकर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टॉक में। सर इस प्रकार से मैं आपको जानता हूँ आप एक टीचर हैं प्रोफेशन से और नागपुर की राजेंद्र स्कूल जो कि महल में है वहाँ पर आप कार्यरत हैं। हजारों बच्चे आपके अंडर में जहाँ तक कह सकते हैं कि एक अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। जब आपको भूदेव बहुरूपी सर इन्होंने एक संकल्पना बताई कि ऐसा कुछ कैंप हमें बनाना चाहिए जहाँ पर बच्चे आएंगे नया एडवेंचर स्पोर्ट्स सीखेंगे देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो कैसा लगा आपको, क्या लगा, क्या सोच कर लगा, क्या आपके मन में कभी था ऐसा? जब पहली बार जब बहुरूपी सर मेरे तरफ आए जी और उन्हें मुझे बताया ये संकल्पना मुझे बताई तो मुझे बहुत आनंद हुआ। नागपुर के इस शहर में ऐसा कुछ तो भी बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए ऐसा कुछ तो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होना चाहिए। वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से बच्चों के मन में ऐसा कुछ भी साहस करने की ज़रूरत है और जब उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अगर हम करेंगे तो उसके लिए मैंने भी उनको एक प्रकार का मेरा जो योगदान है वो देने का मैंने उनको बताया और उन्होंने पहले इसमें हमको एक्सेप्ट कर लिया और हम लोगों ने वो जगह भी देखी और यहाँ तो कितने समिति में लोग थे आपके? हम 9 लोग हैं। 9 लोग समिति में हैं तो 9 के लोग एक ही दिशा में सोच रहे थे 9 लोग? डेफिनेटली। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जैसा ये साहस का एक बहुत बड़ा अलग से प्रोजेक्ट है जहाँ पे विद्यार्थियों को अलग से चीज सिखाई जाती है जहाँ पे हम लोगों ने किस प्रकार का साहस करना चाहिए, हमारे जिंदगी में कैसा साहस होता है, स्टडीज में कैसा साहस होता है और कोई फील्ड में कैसा भी साहस करना है तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होगा। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों मुश्किलें आती हैं। आजकल जैसा हम देखते हैं कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं तो ये सारी चीजें लोगों को एकदम कह सकते हैं बच्चों को योद्धा बना सकती है, एक प्रकार से साहसी बना सकती है, शायद इसीलिए आप सोच रहे थे। यस सर, पुराने काल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जब भी कोई भी युवकों को साहस के बगैर उनको उस सैन्य में नहीं लेते थे जी। और आज भी वही चलता है। अगर हम वो देखते हैं कि बच्चों को अगर साहस नहीं आता है तो आगे की जिंदगी है वो तो निराशजनक हो जाती है उनके लिए। और आज अगर हम ये साहस कैंप इस कैंप में हम जाते हैं तो बच्चों को बहुत बड़ा एक उनके ज़िंदगी में उत्साह आ जाता है, उनके निराशजनक जो ज़िंदगी थी कम हो जाती है और बाद में भी वो पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं और आगे की ज़िंदगी भी अच्छे हो सकती है। मतलब कला गुणों के साथ साथ माइंड के डेवलपमेंट के लिए भी कह सकते हैं कि साहस जरूरी है और उसी लिए शायद प्रयत्नरत रहा है, कार्यरत रहा है साहस एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स विलेज, ऐसा कह सकते हैं। सर आपके और भी मेम्बरान से हम बातचीत करेंगे मगर छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों साहस एडवेंचर स्पोर्ट्स के और भी हम बारीकियां जानेंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। शुरुआती दौर बताइए मुझे, यहाँ पर कुछ नहीं था उस वक्त, आपने कैसे किया, एक एक स्टेप कैसे है, क्या क्या चीजें पहले पहले आए, क्या 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 कठिनाइयां है वो बताइए। शुरुआत में तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हमको पता चला यानी हमने नेट पे सर्च किया कि क्या चीजें है, क्या क्या होता है। साहस एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स समिति के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ नितिन बरिया जी आयु उनसे बातचीत करते हैं। सर मिलिंद येल्लो जी ने हमको बताया किस प्रकार से ये जगह का उन्होंने चुनाव किया, कैसे जगह फाइनलाइज हुई, सारी चीजें हुई, फंडिंग आई, पर आप यहाँ पर मैनेजमेंट देखते हैं तो शुरुआती दौर बताइए मुझे, यहाँ पर कुछ नहीं था उस वक्त, आपने कैसे किया, एक एक स्टेप कैसे है, क्या क्या चीजें पहले पहले आई, क्या 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 कठिनाइयां है वो बताइए। शुरुआत में तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हमको पता चला यानी हमने नेट पे सर्च किया कि क्या चीज़ें है, क्या क्या होता है तो एक एक चीज़ें हमने नेट पर सर्च की जी। और कुछ यहाँ पे जो लोकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाकर हमने, कौन सी इंस्टीट्यूट, जैसे आउटडोर बाउन या फिर अमोल खंटे का CSE, यहाँ पे जाकर हमने वहाँ पे देखा कि कैसे होता है। और फिर नेट पर सर्च करके हमको तो कुछ एक्टिविटी के नाम भी नहीं पता था जी जी, तो नेट पर सर्च किया कि कैसे होता है। पर आप बचपन से इंटरेस्टेड थे? हाँ। आप कैंपिंग करते थे? हाँ, मैं बचपन से जब मैं स्कूल में था सर हमको जंगल में लेकर जाते थे, जैसे स्कूल में जंगल में लेकर जाते थे और अलग अलग चीजें सिखाते थे, इसमें वो बहुत सी चीजें माउंटेन नाइट कैंपिंग कैसा राफ्टिंग जंगल सफारी सारी 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 चीजें उसमें होती थी और वैसे इंटरेस्ट पहले से था और सर के वजह से और बढ़ गया। और फिर नेट पर सर्च कर किया और कई ज़्यादा फंडिंग करना है, फिर अलग अलग चीज जगह से हमने जैसे पैसे जमा किए, एकत्रित किए जी हाँ। और जब हमने डिसाइड किया कि हमको ये कैंपिंग चालू करना है तो सबसे पहले एम था कि एरोस्पोर्ट में करना है क्योंकि एरोस्पोर्ट विदर्भ में कहीं पर जी, तो करना तो है एरोस्पोर्ट से स्टार्ट, तो क्या करना है, तो फिर जैसे पता तो नहीं है किसको क्या बोलते हैं, एरोस्पोर्ट होता क्या है, सारी चीजें सारे टर्म्स। हां हां, जब हमने चिखलदरा जाकर जो एरोस्पोर्ट चलाते हैं वहां पर जाकर उनसे इंक्वायरी की
और परचेसिंग किया ना दिल्ली से, जब लाया तो पता ही नहीं था कि कैसा करना है, बस देखा है नेट पे देखा है वैसे करके देखा। तो पहले ट्रायल में कुछ ट्रायल में एक पुतला टाइप में बनाकर उड़ाया, फिर जो पहली फ्लाइट थी हमारी वो इतनी सक्सेस हो गई कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा कि उसके बाद तो हम कहीं पे रुके नहीं। पर जहाँ तक मुझे पता है कि इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में सेफ्टी बहुत देखी जाती है, तो क्या ट्रेनिंग भी ली है आपके साथ के सारे जो वॉलंटियर्स है उन्होंने? हाँ, हमारे जो वॉलंटियर्स है इंडिया में गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है अटल बिहारी माउंटेनिंग या फिर नीम या फिर दार्जिलिंग में, दो तीन जगह पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाके हमारे ट्रेनर ने ट्रेनिंग ली, वैसे भी सर्टिफाइड होकर ही यहाँ पे ट्रेनिंग। चलिए उसके बाद ही करें। तो सर यहाँ पर आपने एक एक करके कितने सर्विसेज शुरू किए हैं स्टेप बाय स्टेप? एरो स्पोर्ट्स, हमारे तीन एडवेंचर में एक्चुअली तीन टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, एरो स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स और लैंड बेस्ड। जी, तो एरो स्पोर्ट्स में अभी तो विदर्भ में हमारा चल रहा है, और लैंड बेस में एक नया इम्प्रूवमेंट किया है वाटर योगा, कुछ मैट रहती है उसमें योगा रहता है, और लैंड स्पोर्ट्स में तो आप देख ही सकते हो बहुत से एक्टिविटीज है। उसके बाद फिर से हम लर्निंग बेसिस पर कैंप ही चलाते, बच्चा आया टीम वर्क, उनको टीम वर्क कैसे बताना है, आपको स्पीच कैसे करवाना है, ये चीज़ें हम सब बताते हैं। जो नाइट में जब सेशन चलते हैं हमारे, जी जी, तो नाइट के जो सेशन है नाइट ट्रेकिंग, ऑफ रोडिंग नाइट ट्रेकिंग चलता है, यानी आपको रोड नहीं मिलेगा और आपको हाथ में लाइट वगैरह कुछ नहीं रहेगा, बस हमारे गार्ड रहेंगे, हमारे इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आपको बताया जाएगा कैसे चलना है, और सभी सेफ्टी के साथ, अगर कुछ हो भी जाता है तो क्विकली हमारा मेडिकल वहाँ पे पहुँच जाएगा, मेडिकल इंचार्ज। पर ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं होगा? नहीं, ऐसे तो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि हम जो बेसिक ऐसा हो भी नहीं कभी, बेसिक जो ये करते हैं कि क्या हो सकता है, ये पहले चीजें सबको प्रिपेयर कर लेते हैं, आप सारी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उस और एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। जरूर जरूर जरूर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर टोटल अब तक कितने लोग आ चुके हैं? अब तक तो सर हमारा तो ये रहता है कि रोज रोज आया ही जरूर नहीं, लेकिन जब महीने का 10-15 कैंप लग जाते हैं हमारे, 10-15। और ये शुरुआत कब से हुई? एक्चुअली हमारा 2013 में से, फेब्रुअरी 2013 से शुरुआत हुई, 6-7 महीना हमारा कैंपिंग डेवलपिंग में हुआ, जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इससे कुछ अलग सी चीज़ थी यहाँ पे, वहाँ पे हमने डेवलपमेंट किया, कुछ एक्टिविटी इम्प्रूव की, और दिवाली 2013 में से हमने स्टार्ट किया। पहला कैंप कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? पहला कैंप तो बहुत डर था मन में कि कैसा रहेगा, क्योंकि अनएक्सपीरियंस लोग, लेकिन नहातकर सर का जो स्कूल है उन्होंने खुद के फंडिंग में से यहाँ पे कैंपिंग करवाया हमारे लर्निंग के लिए, वो कैंपिंग हुआ, लेकिन जो पहला ही कैंप हुआ उससे सक्सेसफुल रहा, हाँ, जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो आज कोई भी टीम आए, कैसे भी एज ग्रुप आए, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उनको, सर्टिफिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अनुभव आपकी टीम को हो चुका है, और 20 के आसपास आपके टीम मेंबर यहाँ पर काम करते हैं, और सारी चीजें यहाँ पर, एक्टिविटीज यहाँ पर वो सक्सेसफुली विद सेफ्टी करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बातचीत कर रहे हैं साहस एडवेंचर स्पोर्ट्स समिति के मेंबरान से, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समिति के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मिलिंद येल्ले जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। सर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ आपके सारे मेंबरान से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत ही लुभावना पार्क है आपका, ये बहुत अच्छा विलेज आपने बनाया है एडवेंचर का। सर मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नहातकर सर से आपसे बातचीत हुई, उसके बाद बहुरूपी सर से आपकी बातचीत हुई, तो इन सब के साथ साथ एक फंडिंग लगती है, वो आपने क्रिएट किया, आपके 9 मेंबरों से आपने बातचीत की, समिति में गठन हुआ, पर जगह का चुनाव, यहाँ पर सारी चीज़ें, रेट्स कैसे थे, पैसे कैसे आए, लोग आपने कैसे कह सकते हैं टटोला बताया, उन्हें राजी कराया, ये सब कैसे हुआ? कैसा है कि हम सब लोग स्पोर्ट्स फील्ड से कनेक्टेड सब लोग, जी, तो बहुरूपी सर की जो जानकारी है मुझे, जैसे कि मेरा एक मैगजीन भी चलता है, विश्व मैदान स्पोर्ट्स मैगजीन है, उस माध्यम से हम बहुरूपी सर से जुड़े। बीच में बहुरूपी सर ने एक ऐसा बताया कि चलो अपन एक स्पोर्ट्स में तो काम कर रहे हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी कुछ काम किया जाए। जी जी। और विदर्भ में इसकी ऐसी शुरुआत तो हो चुकी है जी। कुछ प्रोजेक्ट है, लेकिन और भी जरूरत है, चारों दिशाओं में जरूरत है जी जी जी, ऐसे प्रोजेक्ट की और भी जरूरत है। इसके लिए क्यों ना एक नया प्रोजेक्ट जो कि एक नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हो और नागपुर के पास हो, तो ऐसी एक संकल्पना उन्होंने पेश की और उसको हमने जो भी उनके विचार है उनके विचार हमको पटे और वो विचार के उसको विचार को आगे लेके जाते हुए नहातकर सर जो हमारे मार्गदर्शक रह चुके हैं, रहते हैं, हमेशा कोई भी काम हो
हम नहातकर सर से डिस्कस करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है। तो और नहातकर सर एक ऐसे व्यक्ति है कि जिसके डिक्शनरी में, जिनके डिक्शनरी में नहीं ये शब्द है ही नहीं। अच्छा। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमने उनके सामने रखा कि ऐसे ऐसे सब विचार है और अपन ऐसा कर सकते हैं, तो उसी के उसी का जो मूर्त रूप आप देख रहे हैं आज, साहस एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, हमने इस सोसाइटी की स्थापना की। तो सबसे मेन चीज होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट चलाना उसको फंडिंग की बहुत आवश्यकता होती है, बिना फंडिंग कोई भी प्रोजेक्ट चल नहीं सकता है। और मैं जैसा कि नागपुर में रहता हूँ और ये प्रोजेक्ट है काटोल में, काटोल से 6 किलोमीटर दूर जुनेवानी गांव में ये प्रोजेक्ट है। तो हम तो ये जमीन आपने खरीदी सबने मिलकर कि पहले से किसी के नाम? जी नहीं नहीं जी, ये लीज हम, ये हमने लीज पर ली हुई जमीन है, प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट लैंड है, उसके हमने उसके ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। जी जी। तो कैसा है कि प्रोजेक्ट चलाने के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट खड़ा करके रहने देना नहीं होता है। तो प्रोजेक्ट चले, वहाँ पर कैंप आए, स्कूल आए, स्कूल के कैंप आए, पिकनिक आए, या फिर फैमिलीज है, बाकी लोग भी आए, तो जब तक लोग यहाँ तक आएंगे नहीं तो ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। तो मार्केटिंग इसकी कैसे करते हैं आप? इसके हाँ, तो मार्केटिंग हमारे, जैसा हम नागपुर में रहते हैं तो नागपुर एक ऐसी सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ से हम पूरे देश भर में चारों तरफ हम उसका प्रचार कर सकते हैं नागपुर से। तो जैसा एक वेबसाइट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से सब मार्केटिंग होता है। जी। उसके बाद में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो इसमें हमने लगाए हुए सास के माध्यम से। जी। तो वो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, प्राइवेट जैसे आईटी कंपनीज है या फिर प्राइवेट जो फैमिलीज है, ऐसे कुछ प्राइवेट संस्था है, सोसाइटीज है, उनमें जाके वो मार्केटिंग करते हैं। और वो हिसाब से बुकिंग ऑफिस हमने जैसा नागपुर में महल में रखा है, तो वहाँ पर बुकिंग करके वो इधर से वहाँ कैंप बुकिंग होता है और उनको फिर जो भी उनको डेट चाहिए वो डेट्स में हम यहाँ पर कैंप लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से आपके यहाँ क्या क्या सर्विसेज है, मैनेजमेंट कैसा है, कितने आपके यहाँ ट्रेनर्स हैं, कैसे क्या पार्क में आपने एक एक चीज़ को कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करवाया? तो यहाँ पर जैसा एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमने 30 से 35 इवेंट हमने यहाँ डेवलप किए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उसमें जैसा कि वॉल क्लाइंबिंग है, नेट क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज, ऐसे जो एडवेंचर में जो इवेंट है, जैसा पैरासेलिंग जैसा इवेंट है कि विदर्भ में सिर्फ पैरासेलिंग हमारे साहस में ही होता है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए जो स्पेशल टेक्नीशियंस लगते हैं वो टेक्नीशियन सिर्फ हमारे पास में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो बहुरूपी सर है वो उसमें खास ट्रेन है और वो करते हैं विदर्भ में। और हमारे एक नितिन भरैया जी जो है हमारे साहस के जो सेक्रेटरी है, जी जी है। वो जो डिटेल में बता पाएंगे, डिटेल में आप, हाँ डिटेल में आप, चलिए चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं इस मामले में, बहुत अच्छे तरह वो आपको बताएंगे इवेंट कैसे कैसे यहाँ चलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू। जो कुछ हम यहाँ 18 एकड़ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी आप लोग प्रोडक्शन सर्विसेज देते हैं? यहाँ पे कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं? ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में। हम बातचीत कर रहे हैं साहस एडवेंचर्स और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स जो समिति है, क्योंकि गार्डोल रोड पर उनका बहुत बड़ा 18 एकड़ में एडवेंचर पार्क है उसके मेम्बरान से। तो आइए अभी हम बातचीत करेंगे साहस समिति के प्रभाकर भस्मे जी से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। सर हमें बताइए कि जो कुछ हम यहाँ 18 एकड़ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी आप लोग प्रोडक्शन सर्विसेज देते हैं? यहाँ पे कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं? स्पोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत, डीएसओ के अंतर्गत या साहस एडवेंचर जितने भी होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा साहस एडवेंचर ट्रेनिंग यहाँ कराने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत से दूर से यहाँ से जो लोग आते हैं या यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पार्टिसिपेंट आते हैं, यहाँ से जो आउटपुट लेके जाते हैं, तो वो यही सोच कर जाते हैं कि हम लोग दोबारा फिर से आएंगे और काफी खुश होके यहाँ से जाते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? एक जैसे कि पिछले बार हैदराबाद से एक टीम आई थी। क्या बात, बढ़िया। नागपुर डिस्ट्रिक्ट का तो काफी स्कूल कॉलेजेस के लड़के यहाँ आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लड़के आते हैं, बीएड कॉलेजेस के लड़के आते हैं, जो एनएसएस कैंप लगता है वो लड़के आते हैं, एसडी के कुछ कैडेट यहाँ पे आके गए हैं, 20 महाराष्ट्र बटालियन के भी कुछ कैडेट यहाँ पे आ चुके हैं। कह सकते हैं कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए और सीखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पर कैसा कह सकते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ आप अपना घर चलाते हैं, हाँ। फिलहाल आप यहाँ पर कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कई आपके पार्टनर्स यहाँ पर हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पर। तो ऐसे कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं?
सर हमारे जो एक ग्रुप प्रस्तापित किया हम लोगों ने, तो उसमें जो 15 से 20 लोग जो ऐसे हैं कि अपना खुद का इन्वेस्टमेंट तो है उनका, लेकिन जितना भी मतलब इनकम सोर्स के अंतर्गत हम लोग अभी हमारा व्यू वो नहीं है, जो भी पैसा उसमें से निकलता है उसमें और डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, इस पर आप यही सोच के हम लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं। जो अर्निंग हो रही है प्रॉफिट, हाँ, थोड़ा बहुत जो आता है, हाँ, वो आप यही पर फिर से यही पे फिर से ताकि आप लोग और अच्छी कोई नई चीजें यहाँ पर ला सके। तो सर मैं वो भी जानना चाहूंगा आपसे कि साहस एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, इसका फ्यूचर प्लान क्या, 5 सालों में और क्या क्या चीजें यहाँ पर नई देखने को मिलेगी? 5 साल के अंदर में यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि हैंगिंग अंश यहाँ पे लाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा बंगिंग जंप है, बंजी जंपिंग आ रहा है, उसके बाद में पैराग्लाइडिंग है, उसके बाद में हॉट एयर बलून है, उसके बाद में एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कायाकिंग का हमारा इवेंट चालू है कि जो स्पोर्ट DSO में भी आया है। क्या बात है, मतलब से एडवेंचर की दुनिया, हाँ, में जितनी चीजें अभी चल रही है भारत भर में, दुनिया भर में, हाँ, वो सारी चीजें धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर लाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा प्रीमाइस, हाँ, आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो शायद हमें और भी चीजें देखने को मिल सकती है आने वाले काल में। सर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, आप थोड़ा बहुत जो अर्न कर रहे होंगे, पर समाज के लिए तो आप समर्पित है मैं देख पा रहा हूँ, पर फिर भी क्या समाज के कुछ विभिन्न अंगों से लोगों को भी आप मदद करते हैं? बिल्कुल, इस संस्था के मार्फत। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे जो हमारा जो बेस कैंप यहाँ पे है, तो इस कैंप के आजू बाजू में 6-7 छोटे छोटे खेड़े हैं, अगर वहाँ पे इमरजेंसी अगर किसी को कोई मदद चाहिए या गाड़ी चाहिए या कोई पेशेंट है या कहीं स्नैक बाइट हो गया या कोई सनस्ट्रोक हो गया, अगर हम लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ से गाड़ियाँ भेज के उनको हम मेडिकल सेवा पुराते हैं। और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहीं से कुछ अनाथ आश्रम से कुछ बच्चों को फ्री में, हाँ 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 होता है यहाँ? हाँ होता है सर, पिछले बार एक जो अनाथालय के एक ग्रुप आया था नागपुर से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पे पूरा हम लोगों ने एडवेंचर करवाया। कुछ काटोल में भी हमारा एक ग्रीष्मकालीन शिविर चलता है, वहाँ के भी स्टूडेंट आते हैं, उनका भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होता है, आप लोगों ने उनको पार्टिसिपेट करवाया, पार्टिसिपेट करवाते हैं बिल्कुल। और सर फोर महाराष्ट्र नेवल यूनिट से मैं जुड़ा हूँ, मैं एक NCC ऑफिसर हूँ, बहुत बढ़िया, और चीफ ऑफिसर होने के नाते जितने भी कैडेट हमारे एरिया से निकलते हर कैडेट को यहाँ लाके हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग कराते हैं, तो उससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी कैंप होते हैं और हमारे कैडेट जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो सक्सेस होके वापस आते हैं, और उनके जो एक्टिविटी है उनका जो वर्क है उसके ऊपर में तो हमारे ग्रुप को गर्व है कि भाई काटोल का कैडेट निकलता है तो पूरे जोरों शोरों से निकलता है और एक अच्छा कैडेट बन के भारत में नाम कमाता है, भारत में नाम बहुत अच्छी बात है। सर आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ पर, बहुत से युवक युवतियाँ सर मैं देख रहे हैं, वो चाहेंगे कि एडवेंचर की दुनिया में आए, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा युवा युवतियाँ यहाँ पे आए, जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो चाहिए जो सब यहाँ पे मिलेगा, एक ऐसा अनुभव मिलेगा, साहसी अनुभव मिलेगा, आपका आत्मबल यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम डेवलप करेंगे और एक ऐसा अच्छा इंसान अच्छा नागरिक बन के यहाँ से भेजेंगे। हम आह्वान करेंगे सबको कि आप आए और एक बार तो भी हमारे यहाँ आके कि मान एक ट्रेनिंग सेशन पूरा करके जाइए ताकि आपको भी अनुभव मिले कि ये साहस एडवेंचर क्या चीज है और इससे कितना फायदा हो रहा है, और एक करियर के तौर पर चुने। बिल्कुल, एक करियर भी यहाँ पे हम बना सकते हैं और करियर के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनने की जितने भी सुविधाएं होती है या जितने भी अपने को क्वालिटीज होती है वो सब सारी यहाँ डेवलप करके उनको हम एक अच्छा नागरिक बना के बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत सारी बातें बताई और हमारी शुभकामनाएं आपके इस इवेंट के साथ, इस समिति के साथ है कि आप और तरक्की करें और बहुत से लोगों को ट्रेन करें और एक अच्छा भारतीय नागरिक बनाने में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो दर्शकों, ये था साहस एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स कैंप, जहां पर हमने देखा कि एडवेंचर से जुड़ी बहुत सी चीजें कैसे एक करियर ऑप्शन भी हो सकती है। ऐसे एक करियर ऑप्शन, ऐसे एक बिजनेस से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा मेरे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का।